हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आप लोग फटाफट अपना नोटबुक निकाल लीजिए, जो हम लोग कल पढ़े थे लेस्मिनिया डोनोवानी के बारे में अपने पिछले वीडियो में। तो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेस्मिनिया डोनोवानी का स्ट्रक्चर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लेस्मिनिया डोनोवानी का डिस्कवरी किसने किया था, जीनस लेस्मिनिया का खोज किसने किया था, और उससे क्या डिजीज होती है, वो जो होती है काला जार को डमडम फीवर भी कहते हैं, और उसका सिम्टम क्या था, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ठीक है। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इसका दो दो रूप होता है, या दो फेज में, दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक जो होता है वो होता है लेस्मिनियल। लेस्मिनियल, और इसी को कहते हैं एमास्टिगोट। ये जो पाया जाता है वो मैन में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोमेस्टिगोट एंड लेप्टोमोनाड, जो सैंड फ्लाई में पाया जाता है। तो पहले हम लोग लेस्मिनियल या एमास्टिगोट फॉर्म्स का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, ठीक है। ये जो होता है राउंड और ओव्यूल होता है, ठीक है। इन दोनों को काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट के पोजीशन के आधार पर दो रूप में बांटा गया है, ठीक है। ये हो गया, आप लोग भी अपना ड्रॉ करते जाइए साथ में। मैं बताऊंगी कि सभी क्या है, पहले मैं बना लूं, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिए। चलिए बना ले लिए, बना लिया, आप लोग भी बना लीजिए। इसमें जो होता है ना, इसमें फ्री फ्लैजिलम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हो गया, और ये जो हुआ ये आपका काइनेटोप्लास्ट हो गया। काइनेटोप्लास्ट हो गया, और ये जो हुआ एक्जोनियम हुआ। ठीक है, और यहां पे जो है ये हो गया बेसल बॉडी। ठीक है, इसमें फ्री फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा रूप, दूसरा फेज। क्या था? लेप्टोमोनाड एंड प्रोमेस्टिकोट। हाँ, इसका मेजर जो होता है 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। दूसरा जो है लेप्टो मोनाड, और बोलिए प्रोमेस्टिकोट।
ये कहाँ पाया जाता है? सैंड फ्लाई में। ठीक है, ये जो होता है ये स्पाइनल शेप्ड होता है, वो क्या था? ओवल राउंड था। ये जो होता है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। लार्ज और इलॉन्गेटेड सिलेंडर एंड स्पाइनल शेप्ड होता है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? बुक में दिया रहता है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको सेंट्रली न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट हो गया, ठीक है? ये बेसल बॉडी। और यहाँ से फ्लैजलम निकल गया, ठीक है? प्री फ्लैजलम, देखिए ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काइनेटोप्लास्ट, ठीक है? ये हो गया बेसल बॉडी, और ये आपका हो गया फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का क्या फंक्शन है बोलिए? फ्लैजिलम हो गया लोकोमोशन के लिए जो होता है, और एक्जिनिम एक्जोनिम। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस हुआ कि इसमें फ्री फ्लैजिलम है, उसमें फ्लैजिलम नहीं है। वो ये स्पाइनल शेफ्ट है और वो ओव्यूल और राउंड होता है, ठीक है? इसका लेंथ जो होता है, लेंथ होता है 1 से 15, नहीं 15 से 20, 20 माइक्रोन, एंड डायमीटर हो गया आपका 1 से 2 माइक्रोन। और एक और इसमें है, ये हो गया जो मेम्ब्रेन दोनों में होता है, उस टाइम मैं बताना भूल गई। पेलिकल जो होता है यूग्लिना में आप लोग पढ़े थे, ये इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? इसका आउट कवरिंग होता है ये। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेस्मिनिया डोनोवानी का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इसका नोट्स तैयार कर सके। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा बताइए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अच्छा लगा हो यह वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।